हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जीएनएम थर्ड ईयर के जो लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता रही हूँ उसके अंदर आंसर्स के साथ, ताकि एक रिवीजन हो जाए आप लोगों की। और ये है जो मिडवाइफरी नर्सिंग है उसके क्वेश्चंस है, तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है, तो आप उसे भी एज अ रेफरेंस चेकआउट कर सकते हैं आपके एग्जाम से पहले। सो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है सोर्सेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड लिस्ट ऑफ इट्स फंक्शन। तो सोर्स क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? तो दो प्राइमरी सोर्स है एमनियोटिक फ्लूइड के, फर्स्ट फीटल यूरिन एंड नेक्स्ट लंग लिक्विड, ठीक है, विद एन एडिशनल और स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सिक्रीशन फ्रॉम द फीटल ओरल नेजल कैविटीज, ठीक है, ये सिक्रीशंस। नेक्स्ट है फीटल यूरिन जो होता है इज मेजर सोर्स होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का इन सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिन जो होता है प्रोडक्शन कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 110 ml पर kg एवरी 24 आवर्स एट 25 वीक टू अप्रोक्सीमेटली 190 ml पर kg एवरी 24 आवर्स एट 39 वीक्स, ठीक है। और टर्म टाइम पे, एट टर्म में क्या होता है, करंट बेस्ट एस्टिमेट ऑफ फीटल यूरिन फ्लो रेट में एवरेज होता है 700 to 900 ml पर डे, ठीक है। द फीटल लंग्स आर द सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो फीटस के लंग होते हैं वो सेकेंड सोर्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड का ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ गेस्टेशन। स्टडीज इज नियर टर्म फीटल स्लीप हैव शोन डेट देयर इज एन आउटफ्लो फ्रॉम द लंग ऑफ 200 to 400 ml पर डे, मतलब स्टडीज में पता चला है कि नियर टर्म प्रेगनेंसी के आसपास जो फीटल जो होता है, फीटल स्लीप क्या दिखाता है हमें कि वो आउटफ्लो होता है लंग्स के अंदर से 200 to 400 ml पर डे, ठीक है। द इनवर्ड ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द एमनियन विद वाटर फ्लो पैसिवली इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वेरी अर्ली इन गेस्टेशन। तो बेबी स्टार्टिंग से ही तो यूरिन पास नहीं करने लगता है या लंग वगैरह है, तो क्या होता है शुरू के अंदर इनवर्ड ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस एमनियन वाटर होता है पैसिवली, जो क्या होता है मोस्ट लाइकली सोर्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड का जब अर्ली स्टेज होती है गेस्टेशन की, ठीक है। नेक्स्ट से द पार्ट ऑफ AFV मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम द वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द हाई परमिएबल स्किन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेस्टेशन एटलीस्ट अंटिल केराटिनाइजेशन ऑफ द स्किन अकर्स अराउंड 22 to 25 वीक्स, ठीक है। जो पार्ट होता है AFV का वो क्या होता है, ड्राइव होता है वाटर ट्रांसपोर्ट से और हाईली परमेबल होता है स्किन को और फीटस को ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ जो होता है गेस्टेशन का, एटलीस्ट जब तक केराटाइजेशन ऑफ द स्किन नहीं हो जाता है 22 to 25 वीक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसका फंक्शंस क्या है एमनियोटिक फ्लूइड के। सबसे पहले तो ये अलाउ करता है रूम फॉर द फीटल ग्रोथ, क्योंकि फीटल ग्रोथ होती है वहीं पर ही मूवमेंट होती है, डेवलपमेंट फीटस की एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है गेस्टेशन टू GIT, मतलब ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंजेशन इंटू GIT, ग्रोथ और मैच्योरेशन। नेक्स्ट है फीटल को पर्मनरी डेवलपमेंट मिलती है 20 वीक्स तक ये प्रोवाइड कराता है, फिर प्रोटेक्ट करता है द फीटस फ्रॉम ट्रॉमा, कोई चोट वोट लगती है ट्रॉमा होगा तो बचा लेता है। नेक्स्ट है मेंटेन टेम्परेचर, कंटेन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और एड डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, डायलिटेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग लेबर में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।